हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, टेक बेसिक का और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है टेक बेसिक सीरीज में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो सबसे पहले आपको कॉमन टेक फैमिली में ग्रैंड वेलकम। और मैं आपको बताता हूँ ये सीरीज़ का मोटिव क्या है। बेसिकली ये सीरीज़ मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस किया अपना चैनल में कि बहुत कोई को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता रहता है, तो उन लोग के लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ कि जिसमें मैं कोशिश करूँगा बहुत ही बेसिक चीज़ आपको सिखाने का। और अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम सीख के नहीं आता कुछ भी चीज़, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एकदम बेसिक चीज़ भी। मैं कोशिश करूँगा वो भी टॉपिक को कवर करते हुए चलूँ। और ये सीरीज़ का मोटिव ये है कि आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँ। और मेरे चैनल में बहुत सारा वैरायटी मैं डालते रहता हूँ, एडवांस से भी रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, बहुत न्यू न्यूज़ के बारे में आपको बताते रहता हूँ। तो ये भी एक सीरीज़ का पार्ट है। और आपको अगर कुछ भी जानना रहता है ये बेसिक से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। और अगर आपको बेसिक चीज़ आता है तो आप ये सीरीज़ को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत कोई को ये चीज़ पता रहता है। तो आप ये वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। और मैं तो रेगुलर बेसिस में कुछ एडवांस चीज़ डालते रहता हूँ, कुछ कुछ नया नया चीज़ तो डालते ही रहता हूँ, तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है ये चीज़ के बारे में तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने गूगल ड्राइव में क्या कैसे अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को वो अपलोड वाला चीज़ का लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके मदद से वो भी आपका जो फाइल आप अपलोड किए अपने गूगल ड्राइव में वो भी अपने पास वो उसको डाउनलोड कर पाएगा। बेसिकली गूगल ड्राइव आपको 15 GB फ्री स्पेस देता है, जिसमें आप अपने कोई भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटर में। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटर नहीं पता तो उसका भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बेसिकली उसमें क्लाउड कंप्यूटर में होता ही है कि आप कोई भी अपना फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, रियल वाला क्लाउड नहीं होता, जो गूगल का सर्वर रहता है उधर में लोड रहता है और उसमें एक बैकअप जैसा काम करता है। तो गूगल आपको हर एक जीमेल में 15 GB का स्पेस देता है, कुछ भी चीज़ आप 15 GB तक भर सकते हैं। 15 GB के बाद आपको पे करना पड़ता अगर आप ज़्यादा चीज़ करना चाहते हैं। मेरा नज़र में 15 GB काफ़ी होता है अगर आप न्यू बिगिनर है कुछ भी चीज़ का। और एक चीज़ मैं और एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू वेबसाइट डेवलपर है तो अगर आपका जो वेबसाइट है वो गाने से रिलेटेड है, मूवी से रिलेटेड है या गेमिंग से रिलेटेड है, तो आप अपना जो गाना होता है वो अपने सर्वर में अपलोड करते होंगे, उसके बाद आप उसको लिंक देते होंगे, अपने जो ऑडियंस आता है उसको लिंक देते होंगे, वो ऑडियंस उससे डाउनलोड करते हैं। तो बेसिकली अगर आप न्यू वेबसाइट डेवलपर है और आपके पास उतना जो पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आप चाहते हैं एक वेबसाइट बनाने का जिसमें आप अपना फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं कई प्लेटफॉर्म में, अब जैसे कि आप जानते हैं आप फाइल अपलोड करने के लिए होस्टिंग खरीदना पड़ता है, वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो बेसिकली जो न्यू चालू करते हैं अपना वेबसाइट बनाना, उतना इन्वेस्ट करना ज़रूरत भी नहीं है, आप गूगल ड्राइव का सहारा ले सकते हैं, जहां आप अपने कोई भी गाने या कोई भी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो अपने वेबसाइट में आप डाल सकते हैं और वो वेबसाइट के द्वारा जो ऑडियंस आपका वेबसाइट में जो आएंगे वो लिंक को क्लिक करके वो गाना या मूवी एक्सेट्रा डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको गूगल ड्राइव के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए, तो अगर आपको जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं अलग वीडियो बना दूंगा जीमेल अकाउंट बनाने का। और मैं एज्यूम करके चलता हूँ अगर जीमेल अकाउंट बनाने आता है, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो एक जीमेल अकाउंट आप बना लीजिए, उसके बाद आप गूगल में लिखिए गूगल ड्राइव लिखेंगे तो आपको गूगल ड्राइव डायरेक्टली खुल जाएगा, नहीं तो आप ये पहला लिंक क्लिक करके गूगल ड्राइव में जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाउड स्टोरेज, तो इधर आप अपने कोई भी प्रीसियस फोटो या कुछ भी प्रीसियस फाइल होता है जो आप घुमाना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि वो फाइल सब अपने कभी भी आप उसको अपने से दूर नहीं ले जाना चाहते, और बाई चांस मान लीजिए आप अपने PC में रखते वो प्रीसियस फोटो या प्रीसियस कुछ भी चीज़ जो आप बहुत पसंद करते हैं तो और अपने मोबाइल में रखते हैं, तो मोबाइल कभी भी करप्ट हो सकता है, आपका PC कभी भी करप्ट हो सकता है, आपका फाइल डिलीट हो सकता है, मगर आप अपने गूगल ड्राइव में रखेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा जब तक आप अपने ईमेल ID को पासवर्ड भूल नहीं जाते। तो आप इधर से डायरेक्टली खोल सकते, नहीं तो आप इसमें गूगल क्रोम में जाके
इधर डायरेक्ट एक इसको क्लिक करेंगे तो एक खुल जाएगा। तो बेसिकली ये खुला हुआ है। यह चीज़ आप बेसिकली स्मार्टफोन iOS यूजर में भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो एक एप्लीकेशन अलग से बनाया हुआ है गूगल का, गूगल ड्राइव नाम का, आप उधर जाकर कर सकते हैं। आप उधर से डाउनलोड कर लीजिए वो एप्लीकेशन का, बेसिकली जो काम रहता है वो सिमिलर रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाइस ये पूरा क्लियर है, और इधर आपको देखिए लिखा हुआ 15 GB तक आपको फ्री यूजेस मिल रहा है, मतलब 15 GB तक आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, जो फोटो इमेज ये सब आपका है, और आपको एक रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, ईमेल आईडी बनाने के लिए आप गूगल में जाइए, क्रिएट जीमेल लिखे तो आपको मिल जाएगा, आप अपना डिटेल भर सकते हैं और उधर से आप क्रिएट कर सकते हैं गाइस। और जैसे ही आप ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे उसके बाद आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो बेसिकली गूगल ड्राइव में आप खोलेंगे तो इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, और सबसे पहले मैं दिखा दिया कि 15 GB तक वो खाली मिलता है। अगर आप चाहते हैं 15 GB का ज़्यादा फाइल डालने का, आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा गूगल को, तब जाकर आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। तो इसके बाद बेसिकली ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही आपको काम आने वाला है। अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पिक्चर, अपने फ्रेंड्स के साथ खींचा हुआ पिक्चर है, अपने रिलेटिव के साथ खींचा हुआ पिक्चर है, तो वो मोमेंट फिर से शायद ही किसी किसी का आता है, तो वो मोमेंट को आप हमेशा रखना चाहते हैं अपने साथ, तो आप इधर अपने जो प्रीवियस फोटो है इधर डाल सकते हैं। 15 GB काफ़ी होता है, तो इधर 15 GB तक अपना फोटो डाल सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप इसमें फोटो डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुल गया इंटरफेस, उसके बाद माई डिवाइस ड्राइव में आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। इधर न्यू फोल्डर है, इधर आप एक तो न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। एक तरह का ये आपका जो कंप्यूटर है फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर में उसी तरह का है, मगर ये चीज़ जो हो रहा है ये आपका हार्ड डिस्क में नहीं होगा, ये गूगल का जो सर्वर होता है उधर आपका जो कॉपी होगा, और उधर आप अपने कोई भी फाइल को रख सकते हैं। तो मैं आपको न्यू फोल्डर बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली एक फोल्डर बन चुका है, ये फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ बैकअप लिख के। इसमें आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और ये अभी फिलहाल ऑनलाइन देखिए एक फोल्डर बन चुका है। ये आपका कंप्यूटर ड्राइव में नहीं हुआ है, ये आपका गूगल ड्राइव में हुआ है, जो है क्लाउड में। क्लाउड में इधर हुआ, आप इसके अंदर कोई फाइल डाल सकते हैं। और जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं मैं फोल्डर खोल दिया, ये फोल्डर के अंदर मैं चाहूँगा तो कुछ भी चीज़ डाल सकता हूँ। आप कोई भी फाइल को ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके ड्रैग करके भी डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ड्रैग करेंगे तो देखिए ये अपलोड होना शुरू हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अभी मैं एक वर्ड का फाइल डाल रहा हूँ डॉट डॉक्यूमेंट का, तो ये जल्दी अपलोड हो गया। गाना का थोड़ा ज़्यादा रहता है, अगर आप और भी कुछ मूवी डालेंगे गेम डालेंगे तो वो सब ज़्यादा MB का या ज़्यादा GB का होता है, तो उस पर टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू साइज वो चीज़ होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, नहीं तो आप इधर माई ड्राइव में क्लिक करेंगे, नहीं तो बैकअप में आप क्लिक करेंगे, नहीं तो माई ड्राइव में अगर आप क्लिक करेंगे इधर, तो इधर आप देख सकते हैं अपलोड फोल्डर, आप पूरा कंप्यूटर से कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर को भी पूरा अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर अपलोड फाइल, आप कोई भी एक इंडिविजुअल फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये फाइल आपका MP3 भी हो सकता है, गेम का भी सेटअप हो सकता है, .exe .apk भी हो सकता है, एंड्रॉयड का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, मूवीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो एक कंप्यूटर में आपका जो ड्राइव में जो स्टोर होता है वो पर्टिकुलरली एक ऑनलाइन ड्राइव है, जहाँ आप कुछ भी चीज़ सेव कर सकते हैं 15 GB तक फ्री। उसके बाद आपको मैं सिखाता हूँ, आपको सिखा दिया कैसे आपको अपलोड करना है। आप फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, माई ड्राइव में कीजिए, अपलोड फाइल में क्लिक कीजिए, कोई भी पर्टिकुलर फाइल को आप ओके कीजिए, इधर ओपन कीजिएगा तो ये अपलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपलोड होना चालू हो गया, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिलहाल मैं बैकअप फोल्डर आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये बैकअप फोल्डर में एक फाइल हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हम लोग का फाइल है जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें आप एक बार क्लिक कर सकते हैं अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप ये अपने जो फाइल है जो अपलोड की है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने वेबसाइट में कैसे इसका लिंक क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप एक बार क्लिक कीजिए इसमें, और आप देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन आ गया, बहुत सारा ऑप्शन। तो इधर आप देख सकते हैं एक लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, ये आपका एक लिंक जनरेट करेगा। तो ये लिंक को आप जस्ट कॉपी कर सकते हैं, या पूरा लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट कॉपी कर लीजिए, और ये लिंक को आप जाके अपने वेबसाइट में डाल दीजिए, नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स का व्हाट्सएप में इसको दे दीजिए ये लिंक को। वो जैसे ही ये लिंक को जाके आपका कोई भी वेबसाइट में या कोई भी वेब ब्राउजर में आप ओपन करेगा, तो आपका रीडायरेक्टली आपका फ्रेंड का जो ईमेल आईडी रहेगा वो आपका ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा खुल गया, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपका फ्रेंड।
कहीं से भी। ये केवल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं रहेगा, आप चाहेंगे तो इसमें अपना मूवीज सब भी डाल सकते हैं, 15 GB तक आप खाली रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 14 GB मेमोरी का फाइल था, तो इसमें 14 MB ये खा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 14 MB ले चुका है ये जगह, और 14 MB ऐसे करते करते आप 15 GB तक भी सामान डाल सकते हैं। 15 GB तक में आप कुछ भी डाल सकते हैं, गाना या एक्सेट्रा कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर आप इसको लिंक को जनरेट करके अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट है तो आप इसको वेबसाइट का लिंक को कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। आपका वेबसाइट का जो ऑडियंस आएगा वो लिंक को क्लिक करके ये डायरेक्टली आपका जो गूगल ड्राइव है उसको एक्सेस कर पाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर सामान ही एक्सेस कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जितना भी चीज़ है सब कुछ पता चल जाएगा, वो पर्टिकुलर जिसका आप लिंक दे रहे वही चीज़ का लिंक का आप लोग वो एक्सेस कर पाएगा और डाउनलोड भी कर पाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कैसे आप अपने गूगल ड्राइव बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ के लिए गूगल ड्राइव यूज़ होता है, और क्या मेन चीज़ आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर है आप उसको अपलोड करके अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक आप अपने ईमेल आईडी को या पासवर्ड को भूलते नहीं हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ आपको बेसिक चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका कंप्लीट डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ये चैनल में बहुत कुछ नया नया कंटेंट डालते रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होता ही है मैं जब भी वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड गुड बाय।